आम तौर पर जी जब हमारा रुपया डीवैल्यू करता है तो हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट सेज के ऊपर कलेक्ट होता है। इंपोर्ट सेज के ऊपर ही कस्टम ड्यूटी लगती है, फिर आप उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाते हैं, पता नहीं विद होल्डिंग कितनी ड्यूटीज़ हम लगाते हैं। ढेर सारा हिस्सा है जो हम इंपोर्ट सेज के ऊपर इकट्ठा करते हैं। इंपोर्ट भी आ रही है, कमी नहीं हुई है, ऑलमोस्ट सिमिलर मलक नंबर साहब, है, आपके डीवैल्यूएशन भी हो आपके गई है, टैक्स जी नंबर क्यों नहीं बढ़ा? मलक साहब, वो उसका उसका जो इम्पोर्ट की डॉलर वैल्यू कम हुई होगी रुपए में तकरीबन उतना। देखे ना, आपके जो टैक्सेस की जो डायरेक्ट टैक्सेस को करना चाहिए था हैंडल, और उसके अलावा आपने जो जितने भी अभी तक मेजर्स लिए हैं उसके नतीजे में आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन, जो कि ये हमारी 18% एवरेज ग्रोथ थी 1946 से 3750 अरब, इन्होंने डिक्लेयर किया था आते ही कि हम 13% ग्रोथ करेंगे, हम 18% नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इनकी एक्चुअल नंबर देख लें, एक्चुअल नंबर तो 5% भी मेरा ख्याल मुश्किल से बन रहे हैं। तो अगर 125 अरब का इनकी शॉर्टफॉल आ गई है और आगे भी आएगी, मुझे नहीं समझ आती कि आगे जाके 20-21% कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो एक तरफ आपकी रेवेन्यू कलेक्शन में कमी आ रही है परसेंटेज वाइज, दूसरी तरफ आपके अखराजात बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने अपने मुल्क के जो रेपो रेट है, जो आपकी पॉलिसी रेट है, जो बाकी आपकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, चाहे वो स्टॉक मार्केट के हमारे साथी इन्वेस्ट करने के लिए को बोरो करें या बिजनेस करें या इंडस्ट्रीज करें, वो आपने उसमें यानी 5% से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। अपना स्टेट का जो डेट है उसके ऊपर आपने जितना को रेवेन्यू मेजर्स लिए थे पिछले बजट में, वो आपने उसको जीरो कर दिया, क्योंकि आपको स्टेट के सॉवरन डेट के ऊपर उतने पैसे 225 अरब एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। तो ये हिट एंड ट्रायल चल रहा है, जैसे आप क्या ऊपर कहेंगे अजीम कि ने जो कहा था इन्होंने कि अभी तक इकदामात लिए हैं कुछ कामयाबी का इम्कान है या नाकामी नाकामी आपको अभी तक नजर आती है? नहीं, मुझे अफसोस ये है कि असद उमर जैसा बंदा अगर ये कहे, हु इज सपोज्ड टू बी वेल यू नो इन्फॉर्म्ड, कि जी वो स्टेट बैंक को हमने उनकी ऑटोनॉमी पे हम असरअंदाज नहीं हो रही, साकदार असरअंदाज होता होगा। ओ भाईजान, आप लॉ तो पढ़ लें स्टेट बैंक का, जो आपकी मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कमेटी है उसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर है, और उसके जिम्मेदारियों में है कि एक्सचेंज रेट पैरिटी को ओवरसी करना। आप कैसे कह सकते हैं, इस मुल्क का वजीर आजम कैसे कह सकते हैं, मुझे टीवी में ये पता चला कि रुपया डिवैल्यू हो गया आज 10 रुपये एक दिन में, उसका फाइनेंस मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं? वो खुदा के लिए अपने रिफॉर्म्स पे आए। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ना आप चेंज कर सकते हैं ना मैं चेंज कर सकता हूँ, ये बैनुल अक्वामी रिकॉर्डेड है, और आपको G20 में जाने की नवीद मिल चुकी थी, प्राइस वाटर हाउस रिपोर्ट जो थी, आपकी स्टेबल करेंसी थी, स्टॉक मार्केट वॉज बूमिंग, आपकी दुनिया में 5वीं बेस्ट थी, आपकी साउथ एशिया में नंबर 1 थी, ये बैठे हुए आपके मेहमानों में उसमें हिस्सा डालने वाले, आज आप किस तरह लेके चले गए इस मुल्क को एक साल के अंदर, इतना बड़ा आप कौन स्वागत चार से जंगों ने नहीं किया पाकिस्तान का। ऐसे रिफॉर्म्स हैं, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त लूँ, कौन से ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो आप तजवीज़ देंगे कि ये रिफॉर्म्स लेने चाहिए थे नहीं लिए गए? मैं समझता हूं कि सबसे पहले फिस्कल मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसके ऊपर टोटल फोकस किया जाए, ताकि आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वापस आए, आपकी रुपया स्टेबल हो, बल्कि मैं तो कहूँ रीवैल्यू हो, ये इनको किसी को अच्छी बात नहीं लगेगी, ये रीवैल्यू होने वाला है। वो जो बहुत बड़े बड़े स्टॉन्च थे ना जी डिवेल्यूशन सपोर्टर, मलक साहब, डॉक्टर इशवाक है, हफीज पाशा साहब, वो भी कहते कि 119-120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए था। ओ भाई, अब आप उसको कम से कम काबू करो उस जिन को, मतलब ये महंगाई जो है तो ये तो साइकिल है। आप अपने मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी को ठीक करें, आप अपने टैक्सेस को 18% ग्रोथ पे वापस लेके जाएं, आपने 13 डिक्लेयर किया, चलो 13% ही कम से कम आप लें, आप अपने इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लाएं, ताकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग चाहे इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट का या बिजनेस वाला हो या इंडस्ट्रीज हो, वो नीचे जाए। आपने एक अच्छी बली मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबल एक पिच बनी थी उसको हमने एक साल 13-14 महीने में तबाह करके रख दिया है। प्लीज वापस जाएं, सियासत छोड़ें, कोई जातियात का मसला नहीं है, पाकिस्तान को सही रास्ते पर वापस लाएं, मेहरबानी करें।